Dear students, because of this coronavirus, our school has decided to teach you online classes. So from today, I will teach you online classes. Let's start. And our first subject is science and class is 7th. Chapter name is Nutrition in Plants and Animals. तो हमारा पहला टॉपिक रहेगा मोड्स ऑफ न्यूट्रिशन इन प्लांट्स, मतलब पौधे में पोषण के तरीके। द मोड ऑफ न्यूट्रिशन इन ऑल लिविंग ऑर्गेनिज्म कैन बी डिवाइडेड इनटू टू कैटेगरीज बेस्ड ऑन देयर फूड हैबिट्स, मतलब सभी प्रकार के जीवों में पोषण के दो तरीके होते हैं। वह डिपेंड करता है कि वह जीव कैसे अपना भोजन प्राप्त करता है। इसके आधार पे पहला ऑटोट्रॉफिक, दूसरा हेटरोट्रॉफिक। अब हम इसमें पहला ऑटोट्रॉफिक न्यूट्रिशन जानेंगे। द मोड ऑफ न्यूट्रिशन इन विच ऑर्गेनिज्म मेक देयर ओन फूड फ्रॉम सिंपल इनऑर्गेनिक सब्सटेंसेस इज कॉल्ड ऑटोट्रॉफिक न्यूट्रिशन, मतलब पोषण का वह तरीका जिसमें जीव अपना भोजन स्वयं बनाता जो किसी सिंपल इनऑर्गेनिक सब्सटेंस के मदद से, उसे हम ऑटोट्रॉफिक न्यूट्रिशन कहते हैं। नेक्स्ट आता है हमारा हेटरोट्रॉफिक न्यूट्रिशन। क्या होता है, हेडिंग है हमारा हेटरोट्रॉफिक न्यूट्रिशन। हाउ डू प्लांट्स विच डू नॉट कंटेन क्लोरोफिल डिराइव देयर न्यूट्रिशन, दीज प्लांट्स डिपेंड ऑन अदर प्लांट्स फॉर फूड एज दे कैन नॉट सिंथेसाइज देयर ओन फूड, दे यूज द हेटरोट्रॉफिक मोड ऑफ न्यूट्रिशन, मतलब जिन पौधों में क्लोरोफिल की उपलब्धता नहीं होती वह अपना भोजन पोषण कैसे करते हैं। इस तरह के पौधे अपने भोजन को प्राप्त करने के लिए दूसरे पौधों पर निर्भर होते हैं। अब ये कितने भागों में बांटा गया है, हेटरोट्रॉफिक प्लांट्स आर ऑफ फोर टाइप्स, या चार प्रकार के हेटरोट्रॉफिक प्लांट्स होते हैं। पहला है पैरासिटिक प्लांट, दूसरा है इंसेक्टिवोरस प्लांट्स, तीसरा है सेप्रोफाइटिक प्लांट्स और चौथा है सिम्बायोटिक प्लांट्स। अब हम इनके बारे में एक एक करके जानेंगे। पहला पैरासिटिक प्लांट्स क्या होता है, प्लांट्स विच लाइव ऑन अदर लिविंग ऑर्गेनिज्म एंड ऑब्टेन देयर फूड फ्रॉम देम आर कॉल्ड पैरासिटिक प्लांट्स, मतलब वह पौधे जो अपना भोजन दूसरे जीवों से प्राप्त करते हैं उन्हें हम पैरासिटिक प्लांट कहते हैं। एग्जाम्पल के तौर पे अमरबेल। इसमें दूसरा टॉपिक था इंसेक्टिवोरस प्लांट क्या होता है, उसके बारे में जाने। देर आर सम प्लांट्स विच कैन इवन ईट इंसेक्ट्स, दे आर कॉल्ड इंसेक्टिवोरस प्लांट्स, मतलब कुछ ऐसे भी पौधे होते हैं जो कीड़ों को अपना भोजन बनाते हैं उन्हें हम इंसेक्टिवोरस प्लांट कहते हैं। एग्जाम्पल के तौर पे पिचर प्लांट, वेनस फ्लाई ट्रैप। नेक्स्ट है हमारा सेप्रोफाइटिक प्लांट्स। क्या होता है, सेप्रोफाइट्स आर दोज ऑर्गेनिज्म विच कैन नॉट मेक their own food and obtain their nutrition from dead and decaying plants and animal matter, मतलब saprophytes वह जीव होते हैं जो अपना भोजन स्वयं नहीं बनाते और अपने पोषण के लिए मरे हुए पौधे और जानवरों के अवशेषों से अपना पोषण करते हैं उन्हें हम saprophytic plants कहते हैं। एग्जाम्पल के तौर पे मशरूम, मूल, ईस्ट, ये सब हैं सेप्रोफाइट्स प्लांट्स के एग्जाम्पल। अब लास्ट
इसमें आता है सिम्बायोटिक प्लांट्स। क्या किसको कहते हैं सिम्बायोटिक प्लांट्स? सम प्लांट्स लाइव इन एसोसिएशन विथ अदर ऑर्गेनिज्म एंड शेयर शेल्टर एंड न्यूट्रिएंट्स। बोथ द प्लांट्स एंड द ऑर्गेनिज्म गेन फ्रॉम ईच अदर। मतलब कुछ पौधे और जीव एक साथ जुड़कर अपना पोषण करते हैं। दोनों पौधे और जीव एक ही दूसरे से अपना पोषण करते हैं। एग्जाम्पल के तौर पर कुछ फंगी लीचेंस ये एग्जाम्पल्स हैं। अब नेक्स्ट टॉपिक, और ये न्यू टॉपिक है। अब हम अभी तक प्लांट्स के न्यूट्रिएंट्स के बारे में पढ़ रहे थे, अब हम जानवरों के न्यूट्रिशन के बारे में जानेंगे, यानी न्यूट्रिशन इन एनिमल्स। यह हमारा हेडिंग है। ऑल एनिमल्स रिक्वायर फूड फॉर ऑब्टेनिंग एनर्जी ग्रोथ एंड रिपेयर ऑफ डैमेज बॉडी पार्ट्स। द प्रोसेस ऑफ टेकिंग इन फूड बाई एन एनिमल एंड इट्स यूटिलाइजेशन इन द बॉडी इज कॉल्ड एनिमल न्यूट्रिशन। मतलब सभी प्रकार के जानवरों को ऊर्जा की आवश्यकता होती है ग्रो करने के लिए। अगर बॉडी पार्ट में किसी प्रकार का डैमेज हो जाए तो उससे रिपेयर करने के लिए, और वह प्रक्रिया जिसमें जानवरों के द्वारा भोजन किया जाता है शरीर को की ज़रूरतों को पूरा करने के लिए, उसे हम एनिमल न्यूट्रिशन कहते हैं। अब न्यूट्रिशन इन एनिमल्स टेक्स प्लेस इन 5 स्टेप्स। जानवरों में पोषण के 5 तरीके होते हैं। फर्स्ट इंजेशन, डाइजेशन, एब्जॉर्प्शन, एसिमिलेशन एंड इजेशन। अब हम ह्यूमन डाइजेस्टिव सिस्टम के बारे में जानेंगे। ठीक, क्या है हेडिंग हमारा है डाइजेस्टिव सिस्टम। द प्रोसेस ऑफ डाइजेशन बिगिंस विथ माउथ। वी टेक इन फूड थ्रू द माउथ। द डाइजेस्टेड फूड इज यूटिलाइज बाई द बॉडी। द अनयूज पार्ट ऑफ द फूड इज इजेक्टेड आउट इन द फॉर्म ऑफ फेसेस। मतलब हमारा डाइजेस्टिव प्रोसेस माउथ से शुरू होता है। हम माउथ के द्वारा भोजन लेते हैं, पचा हुआ भोजन का इस्तेमाल शरीर करता है, और जो अनयूज पार्ट होता है यानी भोजन जो का इस्तेमाल कर लिए और जो बच जाता है उसमें से, जो यूज़ यानी हमारे शरीर के यूज के लिए नहीं होता है, उसको फेसिस के द्वारा हमारे शरीर से बाहर निकल जाता है। अब इसमें भी कई कंपार्टमेंट्स हैं, यानी इट कंसिस्ट ऑफ द फॉलोइंग कंपार्टमेंट्स। पहला द बकल कैविटी, सेकेंड ओएसोफेगस आर फूड पाइप, थर्ड स्टोमेक, फोर्थ स्मॉल इंटेस्टाइन, फिफ्थ लार्ज इंटेस्टाइन एंड लास्ट द एनस। दैट्स ऑल।